सिन्नौर तालुका के सादली गांव स्थित कुकस जाने के रोड पर अज्ञात अस्पताल द्वारा खुले में ही मेडिकल वेस्ट को उंडेलने से स्थानिक लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बैठा है। सादली से कुकस जाने के रोड लालजी नगर के पास पंचायत द्वारा गांव के कचरे का निकाल किया जाता है, तो वहीं आज सुबह सवेरे अज्ञात अस्पताल द्वारा दवाई मेडिकल वेस्ट सीरीज ग्लूकोज के बोतल सहित जानलेवा वैसे मेडिकल वेस्ट को खुले में ही उंडेला गया, जहां नियमानुसार निकाल करने के बदले खुले में ही ये मेडिकल वेस्ट को उंडेलने के साथ स्थानिक लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इरादा पूर्ण नुकसान करने का हेतु छुपा हो वैसा लग रहा है। सिन्नौर तालुका के सादली सेंटर, सिन्नौर सेंटर, सिमरी पीएचसी के तहत कोई भी प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। ये दवाई का जत्था देखते ही लगता है कि एमबीबीएस के अलावा कोई भी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक और इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर अलावा ये दवाई कोई भी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तो वहीं कोरोना काल में बन बैठे वैसे बनावटी डॉक्टर द्वारा जो रोजाना इस्तेमाल किए जाते वैसे मेडिकल वेस्ट का यहाँ पर कचरा उंडलने के कारण जानबूझकर या तो फिर अनजानता में रोग बीमारी फैलने का कृत्य किया गया है। फेंके गए वैसे इंजेक्शन बॉटल के बैच नंबर तथा कंपनी और दवाई पर से लगाए गए लेबल पर से ये डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने के साथ उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और यहाँ पर एक भी चीज पर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात या सरकारी इस्तेमाल के लिए लिखे गए हो वैसा कोई भी लेबल बरामद नहीं करने के साथ ये मेडिकल वेस्ट कोई भी सरकारी अस्पताल का नहीं है। तो वहीं प्राइवेट अस्पताल के संचालक द्वारा यहाँ पर जानबूझकर ये मेडिकल वेस्ट उंडेलने का कृत्य प्रकाश में आने के साथ इसकी सही जाँच की जाए वैसी लोक मांग उठी है।